doesn't mean I don't need you. क्या है इसके लिए पल्ले आते हैं तो ये तो लग गया केले वाला. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. ये सब सामान यहाँ पे ऐसा ही फैला हुआ है. We fly around like paper planes, they never know. करीब 3 साल पहले मैं चंपा के कुछ प्लांट्स लेकर आई थी. बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुए थे, छोटे थे. उन्हें मैंने एक गमले में ट्रांसफर किया और रखा. आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देखे भी होंगे. अच्छा ग्रो करने लगे. विंटर्स आती थी तो उनके पत्ते चले जाते थे, लेकिन उनमें ना फूल नहीं आते थे. एक आध फूल आके रह जाता था. तो मैंने उसे मिट्टी में ट्रांसफर किया और उसमें वो बहुत अच्छे हो रहे हैं बाहर. अब मुझे क्या करना है, वो थोड़े बड़े हो गए हैं और अब मुझे फिर से उन्हें गमले में ट्रांसफर करना है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती. और उन्हें मिट्टी में ट्रांसफर करने का रीजन भी ये था कि वो थोड़ा सा एक पेड़ की फॉर्म ले लें. मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाएं, ताकि जब मैं उन्हें अपनी छत पे रखूं तो एक बड़ा अच्छा सा लुक आए. मतलब छत पे एक बड़ा सा पेड़ हो, उसके नीचे थोड़ी सी छाया हो, वहां आप बैठ सकते हैं, एक बड़ा अच्छा सा लुक आएगा. तो बड़े पेड़ मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं घर के अंदर. घर के अंदर का मतलब है बिल्कुल इंडोर में नहीं, आउटडोर में, जैसे बालकनी में, आउटडोर में थोड़ा सा. तो वही मैं अब करवा रही हूं. तो उसके लिए मैंने फिर से बीरबल को बुलाया है, क्योंकि वो जो प्लांटर है वो काफी हैवी हो जाएगा, बड़ा गमला है और उसे उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं है. तो अब जो बड़े पेड़ हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे गमले में और रखेंगे छत पर. शुरू करते हैं. और इसके साथ साथ जो मैंने स्टेयर्स लगवाई थी अपनी छत पर, उस पर पेंट का काम भी चल रहा है. तो पहले उस पर प्राइमर हो रहा है अभी, और उसके बाद जो है उस पर पेंट होगा. तो वो भी पैरेलल में चल रहा है. तो देखते हैं ये कैसा लगेगा. अब ये तो एक एक्सपेरिमेंट है और थोड़ा मॉनसून का टाइम चल रहा है, तो खराब भी नहीं होगा पेड़ अगर हम उसे निकालेंगे. और अगर ऐसा लगता है या देखो तो फिर से ट्रांसफर कर देंगे. तो इस टाइम थोड़ा सा एक बहुत ही आइडियल मौसम होता है कि हम पेड़ों की कटिंग लगाएं, उन्हें ट्रांसफर करें, मतलब रिपॉटिंग वगैरह करें. तो अच्छा है ना. चलिए देखते हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा लगने वाला है. और उससे जो मेरी छत है ना, जो एकदम प्लेन लुक आता है ना, छत का मतलब होता है ना प्लेन, वो ही सीमेंटेड लुक, वो मुझे नहीं चाहिए. मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए, मतलब पेड़ वेड़ थोड़ी ग्रीनरी. तो देखते हैं कैसे होता है. अच्छा, तो इसे जब निकालेंगे इतने बड़े पेड़ को, तो ये खराब तो नहीं होगा? अच्छा ठीक है, चंपा खराब नहीं होती. ये दो हैं और ये मैं बहुत छोटे छोटे से लेके आई थी, लेकिन मिट्टी में लगा के ये बड़े हो गए. तो चलो इन्हें खोदते हैं. और इसके लिए जो तुम गमले लेकर आए हो वो भी दिखा दो, कहाँ है वो. तो ये बीरबल अपने अकॉर्डिंग ही अपने हिसाब से लेकर आए हैं ये गमले. इनमें हो जाएगा, छोटे तो नहीं पड़ेंगे बीरबल ये? 18 इंची. अच्छा अच्छा, ये 18 इंची के, इनमें सही आ जाएंगे. क्या है इसके लिए पहिए आते हैं घूमने वाले, इसमें लग जाते हैं. अच्छा, जिससे ना आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खिसकाने के लिए पहिए से घूम जाएगा ये. अरे बहुत बढ़िया, इसके पहिए लगा लेंगे तो फिर इसे खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये बढ़िया चीज लेकर आए हो. इसके साइड में ना तुलसी जी भी हो रही हैं, वो भी सब निकल जाएंगी. अब इसकी जड़ें ज्यादा फैल रही है बीरबल? अच्छा, गहरी होंगी इसकी जड़ें. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. बीरबल, ये केले का पेड़ हो जाएगा ना बढ़िया? फर्स्ट क्लास. चलो बढ़िया. फल आए या ना आए गारंटी नहीं है. हाँ, पौधा सही है, पौधा ऐसे ही चलेगा ये. है जमीन में होता तो फल आ जाता है, इसमें साल वाले. अच्छा, फल वाला पेड़ है, फल भी इसका बहुत जोर गया. तो ये तो लग गया केले वाला. अभी ये ऊपर जाना है. और देखो कितना सुंदर पूरा पेड़ है ये, देखो कितना प्यारा लग रहा है. छत पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये. Could it be?
जब भी घर में इस तरीके के काम कराती हूँ तो काम से पहले का प्री वर्क और उसका पोस्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी पड़ती है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा लगता भी है कि गर्मी पड़ रही है, छोड़ो बाद में करा लेंगे। लेकिन हर चीज़ का ना एक फिक्स टाइम होता है। जब फेस्टिवल्स आते हैं उससे पहले घर इतना सेट हो जाए कि वो सारी चीज़ें हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, यही मेरा गोल रहता है। तो गर्मी है ठीक है, लेकिन पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए ये एक इतना आइडियल टाइम है कि चाहे कुछ भी हो, अब शौक है तो ये सारी चीजें तो करानी पड़ेंगी ही। When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. स्टेयर्स पे लग गया है प्राइमर और दोनों जो बड़े वाले प्लांट थे वो ऊपर आ गए हैं, प्रॉपर्ली यहाँ पे रख गए हैं। अभी तो जब सारा काम हो जाएगा तब इनको अच्छे से अरेंज करूंगी। अभी तो ऐसे मैंने रखे हैं कि जो यहाँ काम चल रहा है स्टेयर्स का, पेंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज वैसे मॉर्निंग में तो इतनी बारिश हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब काम हो जाएगा, मतलब स्टेयर्स का काम, लेकिन बारिश रुक गई थी। तो प्राइमर हो गया है, अभी 4 बज रहे होंगे, फिर इसके बाद जो है कल इस पर पेंट होगा। तो अभी तो मुझे पेंट लेकर आना है। अब देखो कैसा, वैसे जो मैंने सोच रखा है कलर वो लेकर आऊँगी। सोच रही हूँ 2 कलर में कराऊँ, सिंगल कलर में कराऊँ, अभी सोचती हूँ 10 मिनट। थोड़ा सा प्लांट्स मेरे ऊपर प्रॉपर्ली आ गए हैं और ये सब सामान यहाँ पे ऐसा ही फैला हुआ है, सारे प्लांट्स मेरे इधर उधर हो रहे हैं। जब एक बार ये हो जाएगा ना तो जिस प्लांटर को मुझे पेंट करना है उसे पेंट करूंगी, सही करूंगी। ये जो बड़े वाले प्लांटर्स आने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम ना बिल्कुल जैसे किसी नीचे कहीं जमीन होती है उसमें पेड़ लगे रहते हैं बड़े बड़े, वैसा लुक आ रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो इधर वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये केले वाला कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा मतलब जैसे होता है ना कोई चीज़ देख के दिल खुश हो जाना, वैसा आज इन प्लांट्स को देख के दिल खुश हुआ है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, लग रहा है बारिश आएगी, बिल्कुल मैं पसीने से तर बतर हो रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी नमकीन, डाइट नमकीन, जो कि मेरी खत्म हो गई है, बिल्कुल फटाफट आसानी से बन जाती है। तो अगर कभी भी भूख लगे ना तो उसके खाने के लिए अच्छी है। और इसे ना मैं पोहे से बनाऊंगी, जो नॉर्मल पोहे हम बनाते हैं ना उससे, जो चिवड़ा होता है पोहे होते हैं उससे। और आप लोग कह रहे थे ना कि थोड़ा सा आपका फेस डल लग रहा है, एक्चुअली गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि हर समय पसीने आते रहते हैं, क्योंकि किचन का काम हो, बाहर का काम हो, सब करने पड़ते हैं, इतने पसीने आते हैं जिसकी वजह से ना पहुंचते पहुंचते फेस भी जो ना काला पड़ जाता है। इस नमकीन को बनाने के लिए ना मैंने सिंपल एक कढ़ाई ली है, कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं डाला है। और ये हो गया 2 कप। और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इतना रोस्ट करना है कि बिल्कुल करारा कुरकुरा सा हो जाए और जब हम इसे दबाएं तो ये टूटने लगे। इसे ना लगातार चलाते हुए भूनना है, और भूनते भूनते ये बिल्कुल बढ़िया मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा इसे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल करारी करारी हो गई, अभी तो गर्म है। अब कढ़ाई में बिल्कुल जरा सा हमने घी डाला है, करीब 2 चम्मच के घी डाल के अब हम इसे गैस ऑन कर लेंगे। और इस 2 चम्मच घी में हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, अपने अंदाजे से आप कम या ज्यादा ले सकते हैं जो भी चीज खाएं, और इन मूंगफली को हम भून लेंगे। अब ये बस मूंगफली भुनने वाली है, इसमें डाल देंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और इनको भी भून लेंगे थोड़ा सा। आपके पास सफेद तिल है तो सफेद तिल डाल दीजिए थोड़े से, और ये है मगज के बीज, ये डाल देंगे। बिल्कुल जरा सा जीरा डाल दिया, इन सब चीजों को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, वो दिखाती हूँ।
बिल्कुल जरा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इन्हें और इसी टाइम आप इसमें डाल सकते हैं करी पत्ता और थोड़ी सी अगर चाहें तो हरी मिर्च कटी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें डालने के लिए आपको इसे भूनना पड़ेगा थोड़ी देर। और थोड़ी सी कसूरी मेथी और बस एक से दो मिनट तक इन सबको मिक्स करते करते बस हम चलाएंगे और फिर हम गैस को कर देंगे बंद। और जो ये पूरी नमकीन बनी है ना, इसमें मैंने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है बस। Troubles to rest, blow smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. Can I be myself? I could be someone else. No one stopping me. आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो कि मेरी किचन बहुत अच्छी आप लोगों को लगती है, तो हाँ मतलब थोड़ा सा साफ सफाई करके मैं रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो पहले वाली किचन थी ना वो बिल्कुल सिंपल थी, तो मुझे थोड़ी साफ सफाई रखने की आदत है, नीट एंड क्लीन घर रहे तो उसी तरीके से मैं अपनी उस किचन को रखती थी। और एक आदत धीरे धीरे डेवलप करी है, एकदम से तो हम नहीं बना पाते कि जितनी भी चीजें हमारे पास हैं हम उसमें सेटिस्फाइड रहे। तो मुझे जैसी किचन मिली तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया, जब ये किचन बनवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशंस थी उस टाइम पे, तो वो किचन मेरे मन मुताबिक नहीं थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, इसीलिए ये नई किचन बनी। लेकिन जब वो किचन मेरे पास थी ना तो मैं उसको खूब सजा के रखने की कोशिश किया करती थी। और किचन ना छोटी होती है तो किचन में नॉर्मली एक वॉल हमें मिलती है, तो मैं उसी वॉल पे ही एक्सपेरिमेंट करती थी, खुद ही पेंट कर दिया करती थी उसमें, क्योंकि एक वॉल को पेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद कुछ उसमें डीआईवाईज बनाना, जैसे मैंने एक बार एक डीआईवाई बनाया था किचन की, जो ये वाली वॉल है मेरी किचन की, तो इसमें मैंने पहले तो पेंट किया था, फिर एक सर्किल ड्रॉ किया था और उस सर्किल को मैंने सिंपल ड्रॉ करने के बाद उसमें मेटालिक कलर किया और फिर उसमें कुछ जो जूट वाली रस्सी होती है उन्हें चिपकाया था, वॉल शेल्फ लगाई थी, वो ही बहुत सुंदर लगने लगा था। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ छोटे छोटे तरीकों से किचन को सुंदर बना सकते हैं। और जो मेरी किचन में आप पीछे ये देख रहे हो ना विंडो जो है, इसमें मैं बहुत सुंदर कर्टेंस लगा लिया करती थी जिससे पूरी किचन बड़ी बढ़िया लगती थी। और मैंने एक व्हाइट कलर के बहुत बढ़िया कर्टेन बनाए थे और उनको उस पर मैंने थोड़े से मतलब कलाकारी करी थी थोड़ा चेंज करने के लिए, तो उसमें मैंने कुछ उसमें जो पैच होते हैं ना चिपकने वाले पैच जो होते हैं उन्हें प्रेस करके चिपका के मैंने यहाँ वो कर्टेन लगाया था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था। और दिन में जब मैं यहाँ पे काम करती थी तो लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो मैं वो कर्टेन्स डाल दिया करती थी। और जो मेरी किचन की टाइल्स थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब वो तो पसंद ही नहीं करी थी मैंने, तो उन टाइल्स को कैसे मैं छुपाती। तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था ना कि मैंने एक वॉलपेपर लिया था और उस वॉलपेपर को उन टाइल्स पे लगा दिया था, मतलब इतनी सुंदर उससे मेरी किचन हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा नहीं है, मैं भी दूसरों की बहुत अच्छी अच्छी किचन देखा करती थी, लेकिन मुझे लगता था जो मेरे पास चीज है उसको मैं अच्छे से रखूं क्योंकि मेरे पास यही है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये खराब है, मेरे पास कुछ चीजें कम है, तो जो चीजें होती हैं हम उनकी कदर ही नहीं कर पाते और हमेशा ये लगता है कि हमारे पास कुछ चीजों की कमी है। तो धीरे धीरे करके गृहस्थी में चीजें जुड़ती हैं, धीरे धीरे हम उसे सही कर पाते हैं, वही मेरा हाल था उस टाइम पे। लेकिन कभी कोई डीआईवाई बना लिया, जैसे कोई पुराना दुपट्टा मिला उसे लिया और उसे सुई से सिलकर और मैं ट्रांसपेरेंट जो जार्स होते हैं उसमें लपेट के लाइट्स डाल दिया करती थी। सब वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर किए और बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर लगती थी, लेकिन उसमें दिक्कतें थी इसलिए मुझे नई किचन बनानी पड़ी। तो कुछ अपने आप डीआईवाईज बना लीजिए, उनसे किचन को डेकोरेट कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी किचन का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, सामान आपने बिल्कुल अच्छे से रख रखा है, आपकी किचन फंक्शनल है, तो वो आपको अच्छी लगेगी। तो आप लोग कहते हो जैसे काफी सामान बाहर रखा रहता है, वो इसलिए रखा रहता है, जो मेरी इधर वाली किचन से पुरानी वाली किचन थी ना जहां मैं पहले रहती थी, वहां तो मतलब नॉन मॉड्यूलर किचन थी, तो मुझे सामान फटाफट चाहिए। तो ऐसा सामान जो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए उसकी जो एक्सेस है वो मैं मतलब अलमीराज के क्लोजेट के अंदर नहीं रखती हूँ।
उनको मैं नॉर्मली बाहर रखती हूँ। और किचन में तो वैसे भी हम खाना बनाते हैं, और हाँ खाना बनाना और खाना, जैसे मैंने ये हेल्दी नमकीन की रेसिपी आपको सिखाई, खाना इस तरह से खाना चाहिए, मतलब खाने को ना एक दवा की फॉर्म में खाना चाहिए, एक मेडिसिन है खाना हमारे लिए। अगर हम खाने को ये समझ के नहीं खाएंगे, बैलेंस करके नहीं खाएंगे कि चलो अब हमने खूब सारे तो लड्डू खा लिए, एक दिन बहुत मीठा खा लिए, तो नेक्स्ट डे हमें बैलेंस करना है, तो हमें खाने को दवाई की तरीके से खाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन हमें दवाइयां खाने के फॉर्म में खानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए अपने खाने का, हेल्थ का और अपनी चीजों का, अपनी केयर का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी शायद। तो ये नमकीन बन गई है, इसको मैं करके रख रही हूँ अब। तो इस तरह से ना सारा दिन बीत जाता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? बहुत ही सिंपल वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और जो भी मैं कर रही हूँ आजकल आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में भी शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Stars, I wanna drive a faster car.